हेलो स्टूडेंट्स हैव आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन एट योर होम वेलकम टू साइंस क्लास नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फोर दैट इज़ वाटर सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ वेयर डू वी फाइंड वाटर वाटर हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकता है यस यू यू आर राइट यू कैन फाइंड इट इन द लेक्स इन द रिवर्स इन द सी एंड मैनी मोर प्लेसेस, वेल्स एट योर फार्म्स है ना खेतों में कुएँ पे मिलता है और कहाँ मिलता है आपको वाटर लेक्स में झील में नदी में समुद्र में ये सारे जो है ये सोर्सेस ऑफ वाटर है यहाँ हमें वाटर मिल सकता है वेरी गुड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर सो लाइक एयर वाटर इज़ ऑल्सो अजेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स हमारे लिए वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे कि एयर इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदा रहने के लिए सो टू थर्ड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर हमारी बॉडी का टू थर्ड तो वाटर ही है वाटर प्लेज ए वाइटल रोल टू फंक्शन द बॉडी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ अर्थ सर्फेस इज़ कवर्ड विथ वाटर और अर्थ पे सेवेंटी फाइव परसेंट जो सर्फेस है वो वाटर से ही कवर्ड है इट इज फाउंड इन रिवर्स लेग्स ओशन स्पून एंड इवन अंडर द ग्राउंड यस इट इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड और जो हम वेल well से एकवायर कर सकते हैं बोरिंग वेल ये सारी चीज़ों से अंडर ग्राउंड वाटर एकवायर कर सकते हैं हमें यूज कर सकते हैं उसका Now, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट आपको पता है वाटर सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का मीनिंग चलिए इस एक्टिविटी से समझते हैं हम सॉल्वेंट का मीनिंग नाउ द शुगर यू एडिट हमें क्या करना है टेक सम वाटर इन द ग्लास ग्लास ऑफ वाटर लेना है उसमें शुगर एड करना है एंड स्टिर दाटर वाटर को स्टर हिलाना है धैन वॉट हैपन्स द शुगर यू एडिड टू द वॉटर डिजोल्व तो हमने जो वाटर में शुगर ऐड किया था वो डिजोल्व हो जाएगी सिमिलरली यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस विथ सेंट अगर हम उसमें सेंट मिलाएंगे तो सेंट डिजोल्व नहीं होगी तो द सब्सटेंट इज द डिजोल्व इन वाटर कॉल्ड सॉल्यूट्स जो सब्सटेंट्स वाटर में डिजोल्व हो गए उन्हें क्या कहा जाता है सॉल्यूट और लिक्विड लाइक वाटर इज कॉल्ड सोल्वेंट अब जिसमें सो डिज़ोल्व किया जा रहा है किस में डिजोल्व किया जा रहा था लिक्विड में कौन सा लिक्विड था वाटर वाटर को क्या कहेंगे इसमें सॉल्वेंट तो वाटर इज ए सॉल्वेंट वाटर में चीज़ें डिज़ोल्व हो सकती है अब हम एक और एक्टिविटी से इसको समझेंगे नाउ लेट स्टार्ट हम थ्री ग्लासेस ऑफ वाटर लेंगे एक में सॉल्ट ऐड करेंगे देन नेक्स्ट ग्लास में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर और उसको भी मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर तक एंड देन एक और ग्लास में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सेंड और सेंड को भी हम उसी तरह मिक्स करने का कोशिश करेंगे अब व्हाट डू वी सी हमें रिजल्ट्स क्या मिलेगा तो हम देखेंगे कि सॉल्ट और शुगर पूरी तरह डिज़ोल्व हो गया है मतलब वो सॉल्यूबल है बट सेंड डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा दैट इज इनसॉल्यूबल तो सेंड क्या रहेगा इनसॉल्यूबल रहेगा सो so, इन दोनों एक्टिविटीज से हमें क्लियर है कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं तो अब जो सब्सटेंसेस uh, होते हैं जिनको डिजोल्व किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है सॉल्यूट और जिसमें डिजोल्व किया जा रहा है वो क्या है सॉल्वेंट नाउ मैंने सब्सटेंसेज डिजोल्व इन वाटर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो वॉटर में डिजोल्व हो जाते हैं वी से सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल तो अब हम उन्हें क्या कह सकते हैं सब्सटेंस कैसे है वो सॉल्यूबल है सम सब्सटेंसेज लाइक सेंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर वी से दे आर इनसोल्यूबल वो सब्सटेंसेस कैसे है इन सोल्यूबल है नाउ ए मेच्योर ऑक ट्री गिवस ऑफ अबाउट टू फिफ्टी लीटर्स ऑफ वाटर वेपर अ डे ड्यूरिंग डे डूरिंग द समर एक दिन में समर में टू फिफ्टी लीटर्स ऑफ वाटर वाटर वेपर प्रोवाइड करता है ओक ट्री ओक ट्री में से इतना वाटर वाटर वेपर बन के और एटमोसफियर में जाता है नाउ इम्प्योरिटीज इन वाटर वाटर में इम्प्योरिटीज एस रेन वाटर फ्लोज ओवर द रॉक्स रेन वाटर रॉक्स से फ्लो होकर रिवर में आता है ठीक है इट पिक्स अप मैनी इम्प्योरिटीज और उस बीच में उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज आ जाती है इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट एंड मिनरल केमिकल इन इट तो ये सारी जो सॉल्ट केमिकल और मिनरल्स वाली जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है सो दीज इंप्योरिटीज़ आर कॉल्ड सोल्यूबल इंप्योरिटीज़ इन्हें क्या कहा जाता है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ सम इम्प्योरिटीज़ लाइक मड सैंड एंड स्टोन कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर और कुछ इंप्योरिटीज़ ऐसी होती है जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाती है तो दे आर इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ अगर इम्प्योरिटीज़ डिजोल्व हो गई तो सोल्यूबल इंप्योरिटी और अगर इंप्योरिटीज़ लाइक सैंड एंड

ओके okay, यहाँ पे हमने इस मिक्सचर में वाटर और सैंड को मिक्स कर रखा है ठीक है अब थोड़ी देर बाद अगर हम उसे ऐसा ही छोड़ देते हैं बिना टच किए तो क्या होगा उस वाटर में से जो सैंड है वो नीचे की लेयर में जम जाएगा और ऊपर वाला जो लेयर है वहाँ पे हमें क्या दिखेगा क्लीन वाटर दिखेगा अब ये जो प्रोसेस है थोड़ी देर के लिए हमने उसे छोड़ दिया दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन ठीक है जो ऊपर फिल्ट्रेट वाटर फिल्टर्ड वाटर आ गया और जो नीचे है दैट इज सेडिमेंट ये सेडिमेंट है देन इसे हम प्योरीफाई कर लेंगे बिना हिलाए उसे दूसरे बीकर में खाली कर लेंगे अब ये जो हमने इसे बिना हिलाए दूसरे बीकर में खाली किया इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिकेंटेशन ये डिकेंटेशन होता है टल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास तो जो सेंट पार्टिकल्स है वो बॉटम ग्लास के नीचे सेटल हो गए ऊपर the वाला जो वाटर था वो कैसा हो गया था क्लियर हो गया था सो द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स का नीचे सेट होना है दैट इज नॉन एज सेडिमेंटेशन और जो नीचे सेट हो जाते हैं उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं सेडिमेंट नाउ पार द क्लियर वाटर फ्रॉम द ग्लास ग्लास में से दूसरे ग्लास में वाटर को खाली कर लेंगे ठीक है uh, बिना उसे हिलाए सो द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन वो जो खाली करने वाली जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉन एज डिकेंटेशन। नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रोसेसेस और अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट फिल्ट्रेशन